उठ के देख सकती हूँ सानी, उठ के नहीं। सानी को हमें प्रिंसेस जैसे ट्रीटमेंट देना है आज भी और कल भी। लेंस लगाने का स्ट्रगल। गाइस गुड मॉर्निंग, मैं अभी सो के उठी हूँ और सोते सोते रात में 3:30 बज गया था। फिर सब लोग घर वापस गए, देन उसके बाद सोई। हमेशा सोचती हूँ रात में लेट सो रही हूँ तो देर तक सोऊंगी, बट ऐसा हो ही नहीं पाता है। मैं सो ही नहीं पाती देर तक, मतलब मुझे नींद बहुत ज़्यादा आती है, बट ऐसा मुझे ऐसा लगता है ना जब मैं सोती हूँ तो मुझे नींद ही नहीं आती, ये होता है। तो मैंने सोचा उठ ही जाती हूँ, टाइम वेस्ट होने से मतलब नहीं है। नींद तो वैसे सो तो मैं वैसे भी नहीं पाऊंगी, इसलिए छोड़ो जाने दो। एंड उसके अलावा भी सुबह 9 बजे किसी का केक आया है और इतनी घंटियाँ बजी, मैं उस टाइम सो रही थी। पहले तो मैं सोचा मैं खोल ही नहीं रही दरवाज़ा, देन आई वाज लाइक नहीं, मुझे पता है सुहानी के प्रेजेंस आएंगे तो खोलना ही पड़ेगा। तो मैंने खोला तो सुहानी का केक आया है। अब सुहानी आपको दिखाएगी। सी हाउ इज शी लुकिंग यस्टरडे वर्सेस टुडे। सो सॉरी, इट्स योर बर्थडे। जस्ट ओपन योर गिफ्ट। केक, सॉरी मैं स्टिल अभी भी नींद में हूँ। अगर जिसने भी केक भेजा है और हमारा व्लॉग देख रहा है तो प्लीज हमें बता दो, बता देना सॉरी, कि ये केक किसका है, क्योंकि हमें नहीं पता किसका है। नाम भी नहीं लिखा है इस पे। अब हमें जाना है स्कॉन आज, बिकॉज ऑब्वियसली आज मेरा बर्थडे है, संक्रांति। बाय द वे हैप्पी संक्रांति टू ऑल ऑफ यू। या हैप्पी संक्रांति टू ऑल ऑफ यू। वो सोए हुए कुछ लोग जाग गए हैं विश करने के लिए, सॉरी। तो आज हम स्कॉन जाएंगे, बट अभी बज रहा है 10, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर सो लूं, बिकॉज मेरा सर बहुत बहुत ज्यादा भारी हो रखा है। तो आई थिंक मैं थोड़ी देर सोऊंगी, उठते हैं ना दो के आराम से करेंगे। बट यार शाम को 6 बजे अच्छे वो होते हैं, वहाँ पे डांस होता है। 5 बजे निकलना पड़ेगा अपन को, 6-7 बजे तक होते हैं, चलेंगे अपन शाम के, डांस होता शाम के जाना मतलब। हाँ, उसके बाद बीच चले, बीच नहीं वो चाप खाएंगे, उसकी चाप फेमस चाप, चाप के बाद। हाँ, बीच वगैरह जा सकते हैं, क्योंकि फिर मुझे आज तो फील ही नहीं होगा, आज ही मेरा बर्थडे, आज ही मुझे फील ही नहीं होगा। तो एक काम करे तो ये केक ले जाएंगे एंड ये केक तुम्हारा बीच पे कटवा देंगे। गाइस अभी बज रहे हैं दिन के 2 एंड लंच वंच मैंने कर लिया है। अब मैं सोचू थोड़ी देर सो जाऊँ, आप लोगों को दिख ही रहा होगा मेरी आंखों में नींद भरी हुई है। सुबह मुझे नींद नहीं आ रही थी, मे बी अभी मैंने खाना खाया है इस वजह से मुझे नींद आ रही है। तो थोड़ी देर सो जाती हूँ, क्योंकि फिर शाम में हम लोग को मंदिर जाना है। गाइस मैं सोने जा रही थी, बट मैं दिखाती हूँ आपको। अनुषा आ गई है, आपने इसको लास्ट व्लॉग में देखा ही होगा। एक्चुअली पार्टी में नहीं आ पाई थी क्योंकि इनकी तबीयत खराब थी, तो इस वजह से सॉरी प्रिंसेस हो ना तुम, सिर्फ आज 4 बजे तक के लिए, नहीं आज तो पूरा दिन 12 तारीख तक, 12 बजे तक के लिए प्रिंसेस। प्रिंसेस के कपड़े फट गए। कैसी प्रिंसेस हो तुम? कौन सी सुरंग दीदी अंदर? सूट निकाल रही थी, कौन से पहने? बहुत मुश्किल के बाद ये उठी हैं अपने, ये अरे यार ये मराठी में क्या बोलते हैं, बोचे उठाए हैं इन्होंने बड़ी मुश्किल से पिछवाड़ा। मैं यहाँ पे सिद्धू मूसे वाला बन के रेडी होने जा रही हूँ। क्या पहन रही हो? नहीं पता, जल्दी बताओ। मेरे पास सूट ही नहीं है, मुझे सूटों की भी शॉपिंग करनी पड़ेगी। मैं भी पुराने ही पहन रही हूँ। सच में मैं ये सूट में मजाक नहीं कर रही हूँ। अरे तो ग्रीन वाला पहन लो ना, जो दोज पे पहना था। मैं भी दोज वाले ही पहन चुकी हूँ बहुत बार। कितनी बार? एक ही बार ही पहना है दोज पे। अच्छा, इसलिए 2 बार तो पहन लिया ना। चलो गाइस अभी आधे घंटे का रोना है, उसके बाद मिलते हैं। गाइज सुहानी की केक कटिंग खत्म नहीं हो रही है, तो हम सुहानी का केक काटने जा रहे हैं। To you, happy birthday, सुहानी, सुहानी, कैंडल। अच्छा कुछ भी सही नहीं दे रही भगवान। केक काटने अभी ऑर्गेनाइज कर रही है कि चाकू चेंज कर करके केक काट रही है। दीदी की तारीफ तो देखो, कीर्तन में आई हो। गाना भी गाता।
तुम्हारा चेहरा नहीं खराब किया मैंने, खाना है तुमको? नहीं नहीं मुझे नहीं खाना, थोड़ा सा तो खाना पड़ेगा। सोनी वाला मुझे खिलाओ अपना। आ तो लो अच्छा है, सच में अच्छा। गाइज, 2 घंटे सोचने के बाद मैं अपने पुराने सूट पे आ चुकी हूँ और मैंने 2-3 सूट ट्राई करे पर मुझे कुछ समझ नहीं आया। इसमें बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हूँ तो मैंने सोचा ये पहन के चली जाती हूँ, मंदिर ही जाना है बस, थोड़ा बहुत खा पी के वापस आ जाएंगे घर। स्कॉन पिछले साल भी हमारे था एंड इस साल भी बहुत ज़्यादा भीड़ है, बिकॉज़ संक्रांत पे रश रहता ही है। लेट्स सी अंदर अच्छे से भगवान बस दर्शन हो जाए। बहुत ज़्यादा रश है, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। इरादा तो चाप खाने का था लेकिन ये पफ्स देख के ना डगमा का, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, आई एम कमिंग। इसको ना कि मैं ना खाऊं ऐसा हो नहीं सकता, मुझे यहाँ का फूड बहुत पसंद है एंड सब विदाउट अनियन गार्लिक और वो होता है, बस फिर बहुत टेस्टी होता है। चल ले पांडा। सो गाइस, ये हमारा फ्रेंड गौरव और ये था सुहानी का एक्टिंग स्कूल का फ्रेंड। हाँ, और अभी मेरा भी फ्रेंड है। हाँ, मेरा छोटा भाई है जबकि ये मेरे से छोटी है। नहीं, हाँ तुम मुझसे छोटे हो। हाँ, कितने साल के हो? मैं 20। हाँ, 27। ये हैं कुछ अतरंगी लोग। गाइस, अब हम सारे चाप खाने, जो कि मेरी फेवरेट है, सेकंड फेवरेट है, सेकंड फेवरेट आफ्टर स्क्रैच क्रिस्पी। यार ये भी, अरे गाइस, रिक्शा रोकने का प्रॉब्लम। अब 10 मिनट तक मुझे और रखो, लोगों को दिखना चाहिए कि रिक्शा रोकना इज सच अ बिग स्ट्रगल। पानी से बात हुई, मना कर दिया, पैदल आ जाओ। मैं बोल रहा हूँ मैं धन इनको छोड़ के आता हूँ, फिर तुम दोनों ट्रिपला मारो, चलो। ठीक है, मैं अकेली नहीं खड़ी रहूंगी। हाँ। मैं आपको वॉचमैन के हवाले छोड़ के आऊंगा। ये होते हैं अमीरों की निशानी, ठीक है। 300 मीटर जाना है और ये लोग रिक्शा रोक रहे हैं। मतलब मैं बोल रहा हूँ, मैं इन लोगों को ड्रॉप कर दूंगा लेकिन सुनना किसी को नहीं है। अरे मजा आ रहा है, मजा ले रहो, मजा ले लो। गाइस, एक बार मैं और सरू जी अकेले सैन आरती के दर्शन करने के लिए आए थे यही इस्कॉन में एंड लिटरली हम लोग 9 बजे से लेके 11 बजे तक सिर्फ रिक्शा एंड कैब दोनों देखते रहे। हम यहाँ से लेके पता नहीं कहाँ पहुँच गए थे, पिंक वसाबी, अगर लोगों को रास्ता पता हो तो, पिंक वसाबी तक पहुँच गए थे, बट तब भी हमको कुछ भी नहीं मिला। एंड लिटरली उस दिन हम लोग डर गए थे कि भगवान प्रसाद घर पहुँचा, तो बड़ी मुश्किल से हम लोग को कैब मिली थी, तब जाके हम लोग घर पहुँच पाए। इधर को जाओ जाओ जाओ, मिल गया। क्या खाने आएगी? पॉपकॉर्न। ये पॉपकॉर्न सुहानी का। मैं पॉपकॉर्न ही नहीं खाती। नहीं खाते? कैप्रिकॉर्न। यस। तो गाइस, पहले हमें स्कॉन में उम्मीद थी क्योंकि स्कॉन के बाहर एक ठेला लगता है जो कि बहुत टेस्टी चाप देता है,
बट वो हमको नसीब में नहीं रही. फिर हम भूले भटके ये सिल्वर बीच आए हैं जो कि बहुत ही गंदा है, जितना मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था. बिकॉज मैं पहले यहाँ पे बहुत आती थी बट इतना गंदा नहीं रहता था. तो यहाँ पे तो हम कुछ खा नहीं सकते. अब हम अभी हम जा रहे हैं लोखंडवाला अपनी फेवरेट पानी पूरी खाने. आई होप वो अंकल बैठे हो. कितना बच रहा है? उठ चुके होंगे अंकल. 9:30 देखते हैं, चलो ना ट्राई करते हैं. मतलब लोखंडवाला में तो बहुत ऑप्शंस है खाने के. अभी आंखें अच्छी लग रही है. एंड वी हैव टू ईट स्ट्रीट फूड टुडे. बहुत हो गया जा के. अरे चल रहे चल रहे. बट की आवाज निकालना भाई. गाइस इतना दिखा था शी इज डांसिंग. हालत खराब है सुहानी की. स्पेशली इन अंकल के आते हैं हम लोग लोखंडवाला में गोलगप्पे खाने. थैंक यू. मुझे भी लग रही सुहानी. अच्छा ये रगड़ा, ये आलू रगड़ा. चटनी अच्छा. ईट ये मीडियम करो अंकल. हम पिज्जे टिकर आ गए हैं. मैकडॉनल्ड्स आए थे कि थोड़ा सोचा कुछ खा ले. पहले हमने पानी पूरी पी, लेकिन जब बैठे तो सब मेन्यू डिसाइड कर रहे थे. फिर मेन्यू डिसाइड करते करते समझ में आया कि किसी को मैकडॉनल्ड्स खाना ही नहीं है. जब हम हमारे घर के पास वाले अड्डे पे जा रहे हैं. अब हम जा रहे हैं अपने घर के पास वाले एक जगह खाने के लिए. और वहाँ पे पास तो नहीं बट हाँ उसी एरिया में वहाँ पे जाके आज खाने के लिए मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है. बहुत दूर दूर तक आए हम खाने के लिए. आज मैं सैटिस्फाई होके वेज क्रिस्पी खा पाऊंगी. यस गाइस हम हमारी डेस्टिनेशन पहुंच चुके हैं. यहाँ का सब बहुत टेस्टी है. सब कुछ सब कुछ मतलब IDC जगह का नाम है बट बहुत टेस्टी है यहाँ का सब कुछ. मैं स्पेशली यहाँ पे वेज क्रिस्पी खाने आई हूँ. और यहाँ पे पापा भी बहुत पापा का भी फेवरेट है. पापा को भी बहुत पसंद है ये जगह. पापा फेवरेट पापा मतलब जैसे अभी कार्तिक आर्यन वगैरह की फेवरेट जगहों का नाम नहीं. अगर पापा भी एक्टर बन चुके होते तो पापा के भी डिशेस के नाम लिखे होते. यहाँ का मसाला पापा को एक्टर बनना था. नहीं हो पाया क्योंकि मेरी मम्मी से शादी करनी थी. आर पाव भाजी इज हियर. एंड गाइस ये पाव भाजी इसलिए नहीं खा रही है क्योंकि पेट भर जाएगा. एंड इसको वेज क्रिस्पी खाना है. पूरा आराम से बैठी है वो. एंड नहीं मम्मी जी बोले नहीं थे. बहुत याद आती थी. बहुत कोशिश की मिलने के लेकिन क्या होता था कुछ वक्त का जरा सा तकाजा. बस हो गया समझ गई मम्मी समझ गई. आई एम रियली वेरी सॉरी. आपके चरण स्पर्श करके हम माफी मांगते हैं. वाह 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 मम्मी पिघल गई. बस मम्मी यहीं पिघल गई. और बस हमारी यहाँ से एक उड़ती हुई पप्पी जा रही है आपके गालों पे. उसका धुआं भी कितना सेक्सी लग रहा है. मेरा वेज क्रिस्पी क्योंकि वो कितना टेस्टी होगा. गरम गरम आया होगा जिससे भी बन के. सर वहाँ विश्वास दीदी खाने को ऐसे नहीं करते. मैंने मम्मी को बोला अपन चलेंगे क्लब लेके चलेंगे. तो फेल कर देंगी सबको. सारे 18-19-20 वाले सब बोलेंगे ओह माय गॉड व्हाट अ हॉट चिक. यस मम्मी भाई अच्छा मम्मी का क्या बोल रही थी. बोल रही थी कि तुमसे अच्छा कोई लगता ही नहीं. मतलब प्लीज आप वेज क्रिस्पी पे फोकस करिए. खाओ विशाल तभी तो खाया आपने. खाया तभी तो खाया. मैं पाव भाजी गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं घर. मतलब ये अपनी बिल्डिंग के नीचे है. पहली बार इस ठंड में मुझे आज ठंड का एहसास हुआ है. मेरी जो हालत हुई है इतनी मतलब अगर आप वॉक कर रहे हो तो बिल्कुल ठंड नहीं लगेगी पर अगर आप रिक्शे में हो आपकी बैंड बच जाएगी. मतलब मुंबई में जनरली होता है ठंड शाम में पड़ती है पर इस बार तो बिल्कुल भी नहीं थी.
पर आज मुझे एहसास हुआ, अभी भी मेरे पूरे गाल नाक कान सब ठंडा हो रखा है, इतनी ज्यादा आज मुझे ठंड का एहसास हुआ है यहाँ पे। आई होप ये मैं बता चुकी हूँ कि मैं मतलब जब मैं बिल्डिंग के नीचे थी मैंने बता दिया था। सो गाइज आई होप आपको हमारा ये लिटिल प्रिंसेस ट्रीटमेंट वाला व्लॉग पसंद आया होगा। सो गाइज आज का व्लॉग हम यही एंड करते हैं। सो प्लीज गाइज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, हिलना बंद करोगी, एंड डू फॉलो इंस्टाग्राम विच इज मनोमय कुट्योर एंड मनोमय मेकओवर। बाय गाइज, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। ये कट करो तुम्हारा लास्ट प्रिंसेस ट्रीटमेंट। इत्तू नहीं, केकू, इत्तू, पिग्गू, यूनी, हाँ चीकू, डकार को डक्कू, पिंकू, कुछ तो गाओ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, happy birthday dear Suhani, happy birthday to you guys, last princess of the day। अब खत्म है ट्रीटमेंट, चुपचाप से कल से मुझे वापस झाड़ू पोछा करना है। हमारे फ्रिज में एक नई बेकरी खुली हुई है, सलोनी सुहानी राय बेकरी। बाकी गेरा पूरी पेस्ट्री है, जो भी खाना मेरा यूनी। कोई पेट एनिमल क्यों नहीं है यूनिकॉर्न। गाइज इस बार सुहानी के बर्थडे पे हम लोगों ने सब कुछ किया, पार्टी करी, मंदिर गए, गेड़िया मारी, हाँ स्ट्रीट फूड का, गेड़िया मैंने भी मारी, हाँ स्ट्रीट फूड खाया, प्रॉपर डिनर करने गए, डीप टॉक्स करी, और रोना भी हुआ एज यूजुअल। मेरा बर्थडे इनकम्प्लीट होता है विदाउट रोना। हाँ ओके, हाँ थैंक यू, नहीं थैंक यू, थैंक यू। तो सुहानी राय आप कुछ इस चीज पे अपनी बकवास रिपोर्टर। अच्छा ये रिपोर्टर है, तुम रिपोर्टर को। सुहानी राय आप कुछ अपने जुबान से कुछ क्षण भर कुछ शब्द वर्णन करना चाहती, शब्द वर्णन, हिंदी करेक्ट थी ना, शब्द कुछ वर्णन करना चाहती। तो सुहानी सुहानी कुछ आप स्पीच देना चाहती है। okay, जी सुहानी राय बोलिए। सी हाँ, जैसे दीदी ने बताया कि इस बार मैंने बर्थडे पे सच में सब कुछ किया, एंड बेसिकली देखा जाए तो फर्स्ट डे से ज्यादा अच्छा मेरा सेकंड डे था। ओह फक बर्थडे, हर किसी का दो दिन नहीं होता है, एक ही दिन। हाँ एक्चुअली मेरा मेन बर्थडे ज्यादा अच्छा गया बिकॉज मुझे ऐसी सिंपल क्यूट लिटिल थिंग्स ज्यादा पसंद है, मतलब छोटी चीजों में खुश हो जाना। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सबसे अच्छा तो मुझे पहली चीज कौन जाके लगा, दिन भर तो ऐसा फील ही नहीं हो रहा था कि मेरा बर्थडे, क्योंकि मैं एकदम चुड़ैल बन के घूम रही थी घर में, देखा ही होगा आप लोगों ने। बट सबसे बेस्ट ये था कि मैंने अयोध्या जो अभी राम मंदिर बन रहा है वहां पे मैंने डोनेशन किया। ओह मैं अपना माइंड भूल गई, मैंने वहां पे डोनेशन किया है, जो कि बहुत ही अच्छी एंड प्योर फीलिंग थी बिकॉज पहली चीज मेरा बर्थडे था, भगवान की ही प्लेस पे थी मैं ऑलरेडी, एंड राम भगवान का तो नाम सुन के तो पागल होने था मुझे, एंड प्लस आज संक्रांत था तो संक्रांत वाले दिन हमको डोनेशन करना चाहिए, अच्छी चीजें करनी चाहिए। सो इन ऑल अच्छा था एंड मुझे बहुत अच्छा लगा। गाइस को थैंक यू बोलो, प्रिंसेस ट्रीटमेंट खत्म हो गया जिसके लिए मुझे बुरा लगता है। हाँ बस अभी हो गया, अब अगले साल ना, अगले साल मिलते अगले साल।